हाय सर, वेलकम ऑन सनी स्पीक्स। आप शिमारू के आने वाले प्रोग्राम के हिस्सेदार हैं, आप आए हैं, क्या मेमोरी है सर, पुरानी यादें आपको ताज़ा हो गई होगी इतने सारे लोगों से आप मिले, आपके पुराने साथी। एक्चुअली आज का जो इवेंट ये था वो क्लासिक्स जो है, क्लासिक सिनेमा, इंडियन सिनेमा का जो क्लासिक सिनेमा, ये शिमारू वालों ने इसको मतलब प्रमोशन कर रहे हैं, मतलब प्रमोट कर रहे हैं और लोगों तक पहुंचा रहे हैं जी। तो बहुत अच्छा लगा मुझे, और सबसे अच्छा लगा कि बहुत काफ़ी हमारे इंडस्ट्री के लोग जो पुराने लोग हैं उन लोगों से मुलाकात हुई, बातें हुई, तो बहुत अच्छा लगा। तो पुराने याद ताज़ा हो गई सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी मूवीज़ में काम किया है, अप्रैल फुल, और मैं अभी हम सुन रहे थे आपको स्टेज पर इतना अच्छा आप बयां कर रहे थे अपने बारे में, तो वो जर्नी और सर आज की जर्नी, आप मूवीज़ देखते हैं तो क्या दौर और वही दौर आज के दौर में फ़र्क लगता है? देखिए, तो लोग ऐसा कहते हैं कि आपके ज़माने में फिल्में बड़ी अच्छी बनती थी और आपके ज़माने में सब कुछ अच्छा था जी। ऐसी बात नहीं है, आज भी फिल्में अच्छी बन रही है जी। क्या है, उन दिनों में भी बुरी फिल्में बनती थी, स्टंट फिल्में बनती थी, आज भी बहुत लोग बकवास फिल्म बना रहे हैं जिनका कोई हाथ पैर है नहीं, और कुछ लोग बहुत खूबसूरत फिल्म बना रहे हैं। तो ये दौर उस ज़माने में भी था, आज भी है। उन दिनों में जो क्लासिक्स जो जिसके लिए ये कर रहे हैं, तो गिने चुने सब फिल्में हैं, वही उठाया है। जैसे समझ लीजिए मदर इंडिया, प्यासा, यू नो, आनंद, मतलब जो क्लासिक्स है, दो बीघा ज़मीन, यू नो, गंगा जमुना, तो उन दिनों में ये नहीं बोल रहे कि उन दिनों में हंटर वाली बनती थी और उन दिनों में मतलब बहुत है दादा उस्ताद, यू नो, इस टाइप की फिल्में भी बनती थी। तो वो सब को माइनस करके जो बेस्ट फिल्में हैं, मुग़ल आज़म, ये सब फिल्में सब उभर के लेके आए। तो आज भी ऐसे ही है, जो फिल्में अच्छी नहीं हैं वहाँ तो लोग घुसते ही नहीं, उनका नाम भी नहीं लेते, लेकिन जो फिल्म अच्छी है उसमें जगह नहीं मिलती, हाउसफुल चलती है, कंटिन्यूस टिकट नहीं मिलती, वो आज भी है। तो जो अच्छी है वो अच्छी है, उन दिनों में भी जो अच्छी थी, आज के दिन में जो अच्छी है अच्छी है। ओनली थिंग, म्यूज़िक के बारे में अगर आप पूछेंगे, जैसा आनंद जी भाई से, प्यारेलाल भाई से पूछा, म्यूज़िक एक मैं बोल सकता हूँ, उन दिनों में जो म्यूज़िक बनी है, मुझे लगता नहीं वो म्यूज़िक, वो धुन दोबारा बनी, क्योंकि उन दिनों में जो म्यूज़िक था वो एक्चुअली इमोर्टल म्यूज़िक मैं बोलूँगा, मतलब हमेशा लोगों में वो 50 साल पुराना, क्योंकि मैं स्टेज शो करता हूँ, आज से 50 साल 60 साल पुराना गाना भी लोग रिक्वेस्ट करते हैं सुनने के, मधुमती जी, नागिन, बरसात की एक रात, 20 साल बाद कोहरा, मतलब वो जो फिल्में थी उनके जो गाने वो आज भी पॉपुलर हैं। मदन मोहन जी, नौशाद जी, शंकर जयकिशन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, मदन मोहन, मतलब एस डी बर्मन, आर डी बर्मन, तो वो बात आज कम हो गई। वो आज का म्यूज़िक ऐसी बात नहीं कि हिट नहीं हो रही, हिट हो रही है, जब तक थिएटर में वो फिल्म चलती है तब तक लोग गुनगुनाते हैं, थिएटर में जब उतर जाती है लोग भूल जाते हैं और नहीं गाते, लॉन्ग टर्म के लिए नहीं जी। यही मेरा कहना है, वो म्यूज़िक इमॉर्टल है, वो फिल्म अमर संगीत है। सर आखिरी सवाल, इस प्रोग्राम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, शिमारू ने जो पुराने लिखे? हाँ, इन लोगों का जो कोशिश है, मैं बहुत ही मैं इन लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट कर रहा हूँ, बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात है, आज हम जितने भी बड़े हो जाए, आप जितने भी बड़े हो जाएंगे, यू डोंट फॉरगेट योर फोर फादर्स, डोंट फॉरगेट योर रूट, आप कहाँ से आए हो, तो इन लोगों का यही काम है रूट को ढूंढना, तो रूट को पकड़ के चले आ रहे हैं। आपका पेडिग्री क्या है, कहाँ से आप आए हो, उसको आप पकड़ के रखो। हमारी जो शान है फिल्म इंडस्ट्री में, जो अच्छाइयाँ हैं उसके साथ चलो, कोशिश करो ऐसे बनने की, जैसा आपके जो बाप दादा हैं वो जज मजिस्ट्रेट थे, तो जो बच्चे हैं उनको भी लोग, तुम्हारे दादाजी थे बहुत बड़े जज थे, ऐसे ही बनो, यू नो, ये इंस्पिरेशन है।
और आजकल के जनरेशन है, इनको ये लोग इंस्पायर कर रहे हैं। तो लोग क्या है, पुरानी फिल्में ज़्यादा देखेंगे, देख के सीखेंगे भी, बहुत कुछ सीखेंगे। थैंक यू, थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए।